Hi everyone, welcome back to my channel Beauty Mania with the Ritu. So welcome to my YouTube family. I hope आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और सिक्योर होंगे. तो आज का होने वाला है वीडियो, काफ़ी वायरल वीडियो होने वाला है, जो कि है ब्लश के ऊपर. बहुत सारी आपने वीडियोज़ देखी हैं जो ब्लश यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, और लिक्विड लिपस्टिक या रेड कलर की लिपस्टिक को एज अ ब्लशर ये यूज़ कर रहे हैं. तो ये बेसिकली उसके लिए किया जाता है कि जब आप ब्लशर के ऊपर फाउंडेशन यूज़ करते हो तो वो नेचुरल लुक कैसे देता है. तो आज मैं यही ट्राई करने वाली हूँ कि ये कितना वर्क करेगा नॉर्मल अगर कोई इसको यूज़ करेगा. तो आज मैं यही यूज़ करने वाली हूँ, मतलब यही ट्राई करने वाली हूँ. उससे पहले मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सॉरी लाइक नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी अपनी रील्स बनाती हूँ, आप एक बार जाके देख सकते हो. तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. तो मैं मॉइस्चराइज़र आप लगा लें, अब मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का नंबर 01. इसके बाद सीरम यूज़ करेंगे. सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ है. अब मैं लिपस्टिक ले रही हूँ रेड कलर की, यहाँ पे मैं मिलानी की लिपस्टिक ले रही हूँ नंबर 22. अब हम इसको जल्दी जल्दी ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये फटाफट से मैट ना हो. इसके बाद होता है कॉन्टोर. कॉन्टोर के लिए मैं सिंपल स्टिक ले रही हूँ. और इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. इसके बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर. कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं रिवॉल्यूशन का नंबर C4. तो अब मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, इसको मतलब कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ. तो सबसे पहले कंसीलर लेंगे, फाउंडेशन नहीं लेंगे. तो कंसीलर को पहले अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम कोई भी जो भी आप फाउंडेशन ले रहे हो उसको यूज़ करेंगे. अब हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन. फाउंडेशन में मैं यूज़ कर रही हूँ, आप थोड़ा फाउंडेशन हैवी कवरेज वाला लें. लाइट कवरेज लोगे तो होगा क्या, ये जो चीज़ होती है ये आपकी हाइड नहीं होगी, थोड़ा तेज़ दिखेगा. तो आप फाउंडेशन थोड़ा सा हैवी कवरेज वाला लें. बहुत ज़्यादा हैवी भी लो ले सॉरी बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज भी ले लोगे तो ये बिल्कुल ही हाइड कर देगा, इसलिए मीडियम कवरेज रखना फाउंडेशन की. तो यहाँ पे मैं लॉरियल का फाउंडेशन ले रही हूँ ट्रू मैच. इसमें मेरा जो शेड है वो है रोज, आई डोंट नो मेरा इसमें है सॉरी इसमें जो लिखा है वो रोज़ बेज है जो शेड है मेरा. तो इसको हम सबसे पहले फाउंडेशन इसको इस तरीके से मीडियम कवरेज फाउंडेशन लेंगे, ना लाइट ना बिल्कुल डार्क, मतलब हैवी कवरेज. और इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब डैब करके हम इसको अप्लाई कर लेंगे. तो आप देख सकते हो एक हल्का सा पिंक स्टोन आता है चीक्स के ऊपर, जो कि ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में. और डैब डैब करके पूरा फाउंडेशन हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे अपने नेक पर भी. तो बेस आप देख सकते हो, ये जो लिपस्टिक यूज़ होती है वो बेसिकली ये जो पिंक सा नेचुरल ग्लो आता है उसके लिए यूज़ होता है. तो मुझे नहीं पता कैसा लग रहा है, हाँ ये मतलब अच्छा लगा मुझे,
क्योंकि इंटरनली जो ग्लो आता है ना वो एक नेचुरल लुक देता है, तो उसके लिए इसको यूज़ किया गया है। अब मैं इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ जो कि है वेट एंड वाइल्ड का। अब मैं बाकी का पूरा फुल मेकअप फिनिश करके आती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो मैंने लिपस्टिक यूज़ की थी वो बेसिकली इसलिए, इस तरीके का जो ट्रेंड चल रहा है, जो इंटरनली एक ग्लो आता है ना पिंकिश ग्लो, वो नेचुरल लुक लगता है। जब बजाय हम जैसे बाहर से पाउडरी वाला ब्लशर यूज़ करते हैं तो उसका लुक थोड़ा अलग आता है, और ये जो हमने फाउंडेशन के अंदर इसको यूज़ किया है उसका लुक थोड़ा सा अलग आता है, तो ये नेचुरल सा पिंक पिंक लगता है। तो इस टाइप से ये मेकअप मुझे तो अच्छा ही लगा है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि नहीं चलने वाला वायरल। लेकिन मैं बता दूं, जो आप लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो उसमें आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है। मैंने जो लिपस्टिक यूज़ की थी वो यूज़ की थी मिलानी की, जो बहुत अच्छी ब्लेंडेबल है, मतलब अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और स्किन के अंदर अच्छे से मर्ज हो जाती है, ये वाली। या फिर आप सिंपल इस टाइप की लिपस्टिक ले सकते हो, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। जैसे मैंने यूज़ किया था, वन स्वाइप ऐसे और वन स्वाइप ऐसे, इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं फैला देना। आपको इस एरिए पे आपको इसको अप्लाई करना है इस तरीके से, और थोड़ा सा यहाँ पे यही वाली लिपस्टिक आपकी नोज़ पे भी आराम से आ जाएगी, अलग से ना लगाएं। दूसरा, लिपस्टिक ऐसी हो जब आप ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करो तो अच्छे से ब्लेंड हो आपके फेस पे, ऐसा ना हो जैसे मैट लिपस्टिक वही यूज़ करें। अगर आप मैट लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो जो थोड़ा सा टाइम लेती है सूखने में, वो अच्छे से ब्लेंड होगा। अगर आप क्विक ड्राई वाली लिपस्टिक यूज़ करोगे, जैसे शुगर की हो गई, एन वाई बेक की लिपस्टिक हो गई, पर्पल वाली भी जो आती है, अगर वो बहुत जल्दी क्विकली ड्राई हो रही है तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी आपकी स्किन पर, तो उससे क्या होगा, आपका फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और बहुत भद्दा लगेगा ये वाला एरिया, तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ये लुक कर सकते हो। तो मुझे तो ये लुक अच्छा ही लगा, मतलब ये ट्रिक मुझे ठीक लगी, और ये ट्रिक बहुत अच्छी वर्क भी करती है। अगर आप चाहो तो क्वांटिटी कम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको वैसे ही करना है, लेकिन आप क्वांटिटी कम कर सकते हो। लेकिन फाउंडेशन से पहले आप एज अ इसको ब्लशर यूज़ कर सकते हो, लिक्विड लिपस्टिक को कम क्वांटिटी में, तो ये ग्लो बहुत अच्छा देगा आपके चीक्स पे। आई एम श्योर आपको आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छी भी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी होगी ये वीडियो। आई होप आपको ये लुक भी काफ़ी अच्छा लगा। तो बहुत से लोग मुझसे पूछे कि मैंने लिपस्टिक कौन सी, मैंने लिपस्टिक यूज़ की है फॉर एवर 52, टॉर्चर है 15 शेड, ये आपको नाइका पे मिल जाएगा, 650 का इसका प्राइस है। तो फॉर एवर की मैंने लिपस्टिक यूज़ की। फाउंडेशन मैंने लॉरियल का ही जो ट्रू मैट फाउंडेशन है मैंने वही यूज़ किया था। जो भी आप अगर फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो वो मीडियम कवरेज वाला ही ट्राई करें, मीडियम कवरेज वाला यूज़ करें। लाइट कवरेज यूज़ करोगे तो ये डार्क हो जाएगा, और ज़्यादा हैवी कवरेज यूज़ करोगे तो वो दिखेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया भी। इसलिए मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन रखें, जो ना ज़्यादा हाई कवरेज हो और ना ही ज़्यादा लाइट कवरेज हो। तो आप ये लुक क्रिएट करके देख सकते हो, आई होप आपको शायद ये लुक अच्छा लगे, और इस तरीके से ही क्रिएट करें तो ही ये लुक अच्छा लगेगा, वरना ये बहुत अजीब लग सकता है। आई होप आपको आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।